लगातार नीट पीजी काउंसलिंग में हो रहे विलंब के विरोध में रिम्स के जूनियर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे काला बिल्ला लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय पर काउंसलिंग नहीं होने के कारण मेडिकल छात्रों पर बोझ बढ़ रहा है। इससे देश भर में करीब 40,000 नए डॉक्टरों की भी कमी हो गई है। कई राज्यों में ओपीडी सेवा का बहिष्कार हो चुका है। मांग नहीं पूरी होने पर रिम्स के जूनियर चिकित्सक भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिछले 1.5 साल से अभी तक हम लोग फर्स्ट ईयर ही है, हम लोग सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हुए हैं। हालांकि 3 बैच है अभी भी यहाँ पे रिम्स में, पर फिर भी जो फर्स्ट ईयर का काम होता है वो फर्स्ट ईयर ही करता है, और फर्स्ट ईयर का काम ही सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है। हमें पेपर वर्क भी करना पड़ता है साथ ही साथ पेशेंट मैनेजमेंट के साथ, तो जो कि अभी भी हम लोग वो कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग प्रमोट नहीं हो पा रहे और हम लोग सेकेंड ईयर का काम नहीं सीख पा रहे, क्योंकि हम लोग अभी भी उस बोझ के तले दबे हुए हैं जो फर्स्ट ईयर करता है एक्चुअली में, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बस कुछ नहीं चाहते, हम लोग बस चाहते हैं कि नीट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द किया जाए। पिछले लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।